टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आपका नोटिस आ गया है फीस से रिलेटेड, जो अक्टूबर और नवम्बर में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसका एक नया नोटिस आया था कि उसमें फीस आपको सबमिट करवाने के लिए डेट्स बताई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि एग्जाम्स की है आपकी, वो कैसे फिल करनी है आपको, तो उसको कम्प्लीटली बताने वाली हूँ, पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी साथ के साथ। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को समझ के आप देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। इस वीडियो में हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि कैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस घर बैठे फोन से या फिर अपने लैपटॉप से आप सबमिट करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं चैनल की होस्ट तनु। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में किसी भी वेब ब्राउज़र पे। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ऑन किया है गूगल, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है hdmis.nios। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे आपको hdmis.nios.ac.in से आपको ये दिखाई दे रही होगी साइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की आपके पास लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आ जाना है एग्जाम एंड रिजल्ट्स, ये देखिए। ठीक है, तो आप इसको फोन पे अगर ऑन करना चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट अपनी ऑन कर लेनी है, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियरली दिख जाएंगी। एग्जाम एंड रिजल्ट पे आने के बाद आपको एग्जामिनेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको पे एग्जाम फीस अक्टूबर 2022, तो इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर अक्टूबर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे वो एनरोलमेंट नंबर जो कि आपको आपके NIS के ID कार्ड पे आपका लिखा होता है, वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपको यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि सीधा आप इस वाले पेज पे आ सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे फिल करते हैं हमारा एनरोलमेंट नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रीसेट और सबमिट का। लेकिन सबमिट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी जो कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछ भी रहे थे। देखिए, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट करके बोला था कि मैम क्या हम 5 एग्जाम एक साथ दे सकते हैं या नहीं। तो आप अगर 10th में हैं तो आप अपने 5 एग्जाम साथ में दे सकते हैं, लेकिन 12th वाले केस में आपने पहले अप्रैल मई में अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि आपने 4 सब्जेक्ट चूज किए थे। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट चूज करने का मोटो ये होता है कि 10th और 12th में NIS में 1 साल का गैप होना चाहिए, और अगर 1 साल का गैप नहीं होता है तो आपकी 12th नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको अप्रैल में देना होता है और 1 सब्जेक्ट जो आपका रह जाता है उसका आपको अक्टूबर नवंबर में देना होता है एग्जाम। वही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको यहाँ पे अगर आप 12th के लिए फीस पे कर रहे हैं तो प्लीज अपने 4 सब्जेक्ट ही आप चूज करिएगा, अदरवाइज अगर आप 10th के लिए कर रहे हैं तो आपको पूरे 5 सब्जेक्ट की फीस आपको पे करनी है। ठीक है, तो 12th वालों की अभी अक्टूबर नवंबर में आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद अप्रैल मई में जब एग्जाम्स होंगे तो आपको वो 1 सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका रह गया था। ठीक है, तो वो आपको अब पे करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर किसी बच्चे ने 12th में अप्रैल मई में अभी एग्जाम दिए हैं, उसने 4 सब्जेक्ट चूज किए थे, जैसे मैं इस बच्चे का दिखा रही हूँ, इसने 4 सब्जेक्ट चूज किए थे और इसके अलावा अब इसको अक्टूबर नवंबर में 1 एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो 1 एग्जाम हम यहाँ पर उसकी फीस मैं आपको पे करके दिखाने वाली हूँ। और नीचे आपका कुछ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपका दी हुई है डेट्स दी हुई हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी यही चीजें बताई हुई हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस बताई हुई है आपकी 250 पर सब्जेक्ट होती है, यानी 1 सब्जेक्ट के 250 रुपए लगेंगे आपके, जो कि आपके थ्योरी के लिए होते, जिसमें आपका सिर्फ थ्योरी एग्जाम होने वाला है वो आपके 250 लगते हैं, और आपका प्रैक्टिकल के साथ 370 रुपए लगते हैं। जो भी
आपने सब्जेक्ट चूज किया उसमें अगर प्रैक्टिकल भी है तो आपको 370 देने पड़ेंगे, और अगर थ्योरी थ्योरी है तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए तो हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं कैंडिडेट की, ये सब डिटेल नीचे आपको आ जाना है, जिसमें आपको फिल बिलो डिटेल्स पे जाना है। जैसे आप फिल बिलो डिटेल्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। 12th के लिए दे रहे हैं और एक सब्जेक्ट रह गया था, तो मैं यहाँ पे इसका सारे सब्जेक्ट दिखा रहे हैं इस बच्चे का, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस एंड पोल साइंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ इस बच्चे ने इंग्लिश का सब्जेक्ट जो था वो अक्टूबर नवंबर के लिए उसने छोड़ दिया था, तो हम इस पे क्लिक करते हैं अभी। और अगर आप 10th में हैं, आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पांचों सब्जेक्ट जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 12th में है तो मैंने आपको केसेस बता दिए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं, एग्जाम फीस की डिटेल्स, हमें नीचे आ जाना है। आप चाहें तो आपने अगर कुछ भी गलत चूज कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट आपने गलत चूज किया है, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एडिट का ऑप्शन, और अगर नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम फी डिटेल्स दिख रही है। टोटल एग्जाम फीस इसकी 250 है और इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की फीस 50 रुपये लगती है, तो टोटल यहाँ पे 300 रुपये फीस हो गई, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि आपकी थ्योरी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए 250 आया। अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट लेते जैसे होम साइंस अगर हम करते तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो यहाँ पे 370 रुपये फीस आती, प्लस में आपका 50 रुपये आपके ऑनलाइन प्रोसेसिंग के, ठीक है। तो नीचे हम आ जाएंगे। पेमेंट गेटवेज आपको दिख रहा होगा, हम UBI, IDBI, CSC वॉलेट ये सब दिख रहे हैं, तो हम UBI पे क्लिक किया हुआ है हमने। यहाँ पे नीचे आने के बाद जो भी आपका बैंक है उस पर आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्ड्स, अगर जिस भी तरीके से आप अपने जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे UPI यानी हम फोन पे से करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे UPI क्लिक करते हैं। UPI में आपके सारे जो भी एप्स होते हैं वो आ गए। हम यहाँ पे फोन पे क्लिक करेंगे। फोन पे ID फिर आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो ID आप यहाँ पे फिल अप करते हैं, तो मैं यहाँ पे ID फिल कर रही हूँ। चलिए तो उसके बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका दिख रहा है ओपन फोन पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट ऑफ 300। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में से मतलब जो फोन पे है उसको ऑन करना है, और वहां पे आपको 300 रुपये की जो पेमेंट है वो अप्रूव करनी है, ठीक है। देखिएगा आपके पास ये इंटरफेस आपको फोन पे दिखाई देगा, वहां पे आपको पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका आएगा पेमेंट का, जो भी आपकी पेमेंट होगी उसका डिजिट, और आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, और आपके बैंक में से आपका जितनी भी फीस होगी वही आपकी कटेगी, एक्स्ट्रा कोई भी आपकी फीस नहीं कटेगी। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे आ गया आपका सक्सेस, योर पेमेंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे हमारी पेमेंट कर चुके हैं। तो उसके बाद आपको फीस रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए मैं दिखा देती हूँ, आपको बैक टू होम आ जाना है। बैक टू होम आने के बाद आपको दोबारा वही इंटरफेस दिखाई देगा आपका NIS का। यहाँ पे आपका एग्जाम एंड रिजल्ट पे आने के बाद एग्जामिनेशन पे आप जाएंगे, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, और एनरोलमेंट नंबर आपका फिल करने के बाद आपको आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर जो मैंने आपको बताया वही आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना 12 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर फिल कर लिया है। नेक्स्ट आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स आपकी दिखाई दे जाएंगी, और ये है आपकी पेमेंट डिटेल्स, और इसी को हम बोलते हैं आपकी फीस की रिसिप्ट, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स आपके थे, मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे आपकी टोटल एग्जाम फीस दिखाई दे रही है। एग्जाम फीस यहाँ पे कंफर्म्ड हो गई है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस है, और ये पूरा आपका बैंक की ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कब आपने फिल की है फीस। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इट मीन्स आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो
यही आपकी पूरी वीडियो थी और इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, और मैंने सक्सीड करके भी आपको दिखाया है। होप आपको इस वीडियो से समझ में आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसा ही कॉन्टेंट लाते रहते हैं आप सभी के लिए एनआईएस से रिलेटेड। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ीस पे हुई है या नहीं हुई है इस वीडियो से। थैंक्स फॉर